अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ रिज़वान चीमा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मकान सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आपका सफर प्लॉट से मकान तक। आज की इस वीडियो में आपको ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर बी के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा कि ऑन ग्राउंड इसका क्या स्टेटस है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक बी में जो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं डिस्कस करने के लिए, नंबर वन इसके व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर बी, नंबर टू के इसमें किस साइज़ के प्लॉट हैं, किस डायमेंशन के प्लॉट्स हैं, एंड नंबर थ्री व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक बी। अब बात करते हैं इन तीनों पॉइंट्स में। पहले पॉइंट की लोकेशन की, लोकेशन वाइज ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर बी है, इसकी लोकेशन काफ़ी प्राइम है। इन टर्म्स ऑफ के प्राइम इन अ सेंस वैसे है कि इसकी एंट्रेंस रोड टू के साथ, जिसकी विड्थ है 120 फीट मेन गेट की, उसके बिल्कुल साथ वाक्य है। और इसकी इस वजह से लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइम बन जाती है कि एंटर होते साथ ही, जैसे ब्लॉक जी की, ब्लॉक एच की लोकेशन बड़ी प्राइम है कि वो एंट्रेंस रोड वन के साथ हैं जिसकी विड्थ है 180 फीट। इसकी अपनी एक अच्छी बात यह है कि इसमें एंटर होते साथ ही आपके लेफ्ट साइड पर यह ब्लॉक आ जाता है। ये तो होगी लोकेशन की बात। जहाँ तक बात है इसकी ओवरऑल लैंड एलिवेशन की, तो इसकी लैंड एलिवेशन पर्सनली तौर पर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये थोड़ी सी जो एंट्रेंस गेट है वो एलिवेटेड है और ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा नीचे डिप्रेशन में है, तो इसलिए इसकी एलिवेशन जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ दैट। लेकिन देखा जाए कि इसमें, अब सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि इसमें किस साइज़ के प्लॉट्स हैं। अब इसमें तीन साइज़ की कटिंग है। नंबर वन इसके 7 मरला, जिसका साइज़ है 30x53 स्क्वायर यार्ड, में बात करें तो 175 स्क्वायर यार्ड। और सेकंड टू नंबर पे आता है जी इसके 12 मरला के प्लॉट, जिसका साइज़ है 40x68 स्क्वायर यार्ड, में बात करें 300 गज का प्लॉट है। और नंबर थ्री पे बनता है 1 कनाल के प्लॉट, जिसका साइज़ है 50x90 और स्क्वायर यार्ड में 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट। इन तीन कटिंग से प्लॉट यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मैं सेकंड पार्ट जो एरियल फुटेज है वो मैं इसके बाद सेकंड वीडियो पोस्ट कर दूंगा, कि इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बात है कि जिन मेंबरान की यहाँ पे लोकेशन चूजिंग हुई है, जिन्होंने लोकेशन चूजिंग की है, उन मेंबरान की यहाँ पे दिलचस्पी हज़ार सी बात है कि यहाँ पे इस वक्त स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये एंट्रेंस रोड के साथ ही रोड है और ये रोड लीड करता है टुवर्ड 8 मरला कमर्शियल, जो मेन रोड के साथ लेफ्ट साइड प्लॉट आते हैं, जो ओवरसीज़ प्राइम में 8 मरला कमर्शियल बेचे गए थे वो मेन रोड के साथ आते हैं। इसमें लोकेशन इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस वक्त ये है कि तकरीबन 60-65% डेवलपमेंट है, जो अर्थवर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो स्ट्रीट्स के अंदर का लेआउट प्लान है उस पर भी काम हो रहा है, फाइनल स्टेजेस में नहीं आया। जैसे ओवरसीज़ प्राइम में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप ब्लॉक है जी है, एच है, एफ है, वो डेवलप्ड है ज़्यादा, उनसे थोड़ा कम ही डेवलप है। सी ब्लॉक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उनसे थोड़ा कम ही डेवलप्ड है, लेकिन सम हाउ समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। इस वक्त साइट पर डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि 1.25 साल हुआ इसको लॉन्च हुए और डेफिनेटली इसमें 3.5 साल का पेमेंट प्लान था, कन्फर्मेशन और बुकिंग मिला के तकरीबन आपको 4.5 साल का टाइम मिलता है, तो फिर भी अभी आपके पास 2.5 साल का जो टाइम फ्रेम है वो बाकी है इंस्टॉलमेंट पे करने का। तो बाय दैट टाइम, बिफोर एंडिंग ऑफ दैट टाइम, कमिटमेंट से पहले पहले होपफुली ये जो ब्लॉक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, डेवलप हो जाएगा और जिन मेंबरान के यहाँ पे प्लॉट्स हैं उनको इसका पोजेशन ऑफर हो जाएगा। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makaansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।